अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं नाथ वकार महमूद हाशमी और आप सबको मेरे YouTube चैनल मेरे Facebook अकाउंट पे खुश आमदीद। आज की वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव क्योंकि आज की वीडियो में हम रियाज करेंगे। मेरे साथ मेरा भाई भी मौजूद है और मेरा एक स्टूडेंट भी मौजूद है। हम आज रियाज करेंगे और ये किस चीज़ का रियाज है, ये है आवाज़ को ताकतवर बनाने का रियाज, आवाज़ को खोलने का रियाज। आपकी आवाज़ पतली है, आपका जिस्म चाहे पतला हो लेकिन आवाज़ आपकी फैल के लगनी चाहिए। इतनी फैलावी आवाज, जो जिसने मेहनत की हो वो इसकी कदर करता है, वही कदर कर सकता है जो इसका आर्ट जानता है, जो इसका फन जानता है। वरना लोग ऐसे ही कहेंगे, बातें बनाएंगे, जी मुंह खोला है और ये काम किया, जी ऐसे बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं और जी चेहरा बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये रियाज ही ऐसा है कि आप जब करेंगे तो पता चलेगा। और लाइट जो रगी वाली आवाज़ है वो बनाना आसान है, बल्कि बहुत आसान है, ना भी बनाएंगे तो गुनगुनाते रहेंगे वो बन जाएगी। ये वो आवाज़ है जो पावरफुल आवाज़ है, ताकतवर आवाज़ है। इसके लिए बकायदा रियाज करना पड़ता है, अपने आप को मुश्किल में डालना पड़ता है। और ये आवाज़ हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपनी आवाज़ में जान पैदा करे और आवाज़ अपनी फैला के लगाए। ये आवाज़ जब तैयार होगी उसके बाद फिर आपको भी पढ़ने का मज़ा आएगा और लोग बनाने वाले 100 बातें बनाए, आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलके रियाज करते हैं। हमने करना क्या है, अभी तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा था, इस रियाज का रिज़ल्ट क्या है, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि वो रियाज क्या है जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट सामने आएगा। हमने आकार पकड़ना है हा का, छाती से आवाज़ लगानी है, लंबी लंबी आवाज़ लगानी है और खुल के आवाज़ को भी खोलना है, मुंह को भी खोलना है। ठीक है, मुंह खोलेंगे तो आवाज़ हवा को ज़्यादा रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का, और जोर नहीं भी लग रहा तो बेतुक्का जोर लगाई जाना, लेकिन आकार नहीं बिगड़ना चाहिए, आकार बिगड़ेगा तो आवाज़ भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, बोले ना हा, अगर ऐसे होगा तो आवाज़ भी आपकी हाओ ही बन जाएगी, फिर आप पड़ा करेंगे ना तो मज़ा नहीं आया करेगा। ठीक है, आकार भी खूबसूरत हो और आवाज़ भी, जारी बात है, खूबसूरत आकार से रियाज करेंगे तो आवाज़ खूबसूरत होगी। मैं जैसी सांस भरूंगा आपने भी भरना है और शुरू कर देना है। ठीक है, हा के आकार पे ऐसे हा, सुर अगर आप कहते हैं तो मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं इसका नहीं, हा 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 इस पे कर ले, हा हा। ठीक है, मैं सांस खींचता हूँ साथ, आपने भी खींचना है, तैयार है? एंड में आपकी आवाज़ गले में चली गई या करके फिर नाक में चली गई, अभी नहीं, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ी देर बाद दूसरा सांग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर स्टॉप वॉच भी रखनी है, जो पिछला मैंने आपको रियाज बताया था कि स्टॉप वॉच रख के नोट करना है सांस, और पिछले सांस से 1 सेकंड बड़ा आगे जाना है, थोड़ा सा 1 सुर अब छोटा करते हैं, हम निचले सुर पे रियाज करते हैं, हा हा इस पे करते हैं। ठीक है, और इस पे छाती के साथ हाँ पूरा भर के। ठीक है, और कोशिश करनी है कि पूरी सांस में आवाज़ छाती से गले में की तरफ ना आए। ठीक है, छाती में हाँ करो, हाँ। ठीक है, सुर तो मिला रहा है ना, हाँ
एक और मैं आपको बात बता दूं, आप लोग अगर मेरे साथ इस पर सांस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो गले का सांस होता है वो तो ऑलरेडी ज़्यादा होता है, जो छाती का सांस होता है वो कम होता है। ये हम छाती का सांस लगा रहे हैं, तो ये छाती का सांस, अगर आपका जो गले का सांस है ना, मेरा गले का सांस कितना है, कितने पे गया मैक्सिमम? 45 पे, 47 पे गया है, ठीक है, 45 पे तो आपके सामने गया ना, 47 मेरा बेस्ट है गले का सांस, लेकिन छाती का सांस मेरा उसका हाफ है, मतलब 30 तक जाता है मैक्सिमम, क्योंकि छाती का जो रियाज है वो बहुत बड़ा रियाज है, ठीक है, और इस पर बहुत जान और बहुत ज़्यादा कैलोरीज इस पर खर्च होती हैं, और आपकी खुराक भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छी खुराक से मुराद सेहतमंद खाना आप खाएं, ठीक है। आप तो माशाल्लाह कुछ भी ना खाओ तो आपका चल सकता है, तुम्हें और मुझे खाने की ज़रूरत है, हम दोनों भाई एक जैसे ही हैं नाजरीन खाने पीने के मामले में भी, हर मामले में। तो बाकी एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, और थोड़ा छोटे सुर पे करते हैं, आप चाहे इस दफ़ा ना करो, हाँ इस पे करते हैं, ठीक है, छाती का ही ना तो थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ छाती में आ रही है आपकी, चलें। मेरा एक सांस तुम्हारे दोस्त है, हाँ जी, लेकिन ये मेरा भाई है, और मेरी ख्वाहिश है कि ये मुझसे आगे जाए, और मेहनत भी कर रहा है, इतनी इसकी उम्र में मैं मेहनत नहीं था करता जितना ये इस उम्र में कर रहा है मेहनत, लेट शुरू किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। इसके लिए भी दुआ करें, फिज़ान के लिए भी दुआ करें, और दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको आज की रियाज़ की वीडियो समझ आ गई होगी, इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को इसका रीच मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।